पता लगा कि यहाँ तो यार 10,000 गाड़ियां आ चुकी। वहाँ गणेश का मूर्ति है जहाँ पूजा किए जाते हैं, काफी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा ये गणेशा है। तो गाइस ब्रूनो माउंटेन के लिए सुबह 1:30 बजे से ही जर्नी शुरू हो जाता है, जहां आपको हाईवे से भी जाना पड़ेगा और ऑफ रोडिंग से भी जाना पड़ेगा और कभी कभी आपको जंगलों के बीच से भी जाना पड़ता है। और इसी तरह 2.5 घंटा चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपने मंजिल की ओर, और वहां से आगे आपको जाना पड़ता है पैदल। और पैदल आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी व्यू पॉइंट तक पहुंच चुके होते हो। लेकिन ब्रूनो माउंटेन के लिए यहाँ काफ़ी सारे रैंडम व्यू पॉइंट हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल एक व्यू पॉइंट पे रुक गए हैं, जहाँ रुकते ही हम देखते हैं काफ़ी सारे कॉफ़ी शॉप्स और काफ़ी सारे लोग, वो भी सुबह 3 बजे। यहाँ कुछ की तो नींद भी पूरी नहीं हुई और यहीं सोए हुए थे। और सुबह आप सो सकते हैं, 3 बजे आप कॉफ़ी और खाने के लिए इतना लाइन लगाना पड़ता है। और कुछ लोग तो यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं सुबह 3 बजे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सनराइज़ होता है सुबह 4:30 बजे और इसी बीच लोग यहाँ खा रहे होते हैं, कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे गतिविधि आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। So, ये है रास्ता व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे काफी सारे सनसेट पॉइंट है यार, कुछ पता नहीं लग रहा है काफी ज्यादा। तो गाइस ये वो वेटिंग पल था जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और इंडिया से इंडोनेशिया इसीलिए आया था, और काफ़ी खूबसूरत पल था। और ये है माउंट ब्रूनो जिसको देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं हर साल। अब वक्त हो गया इसको नज़दीक से देखने का। तो गाइस सनसेट देखने के बाद ये है भीड़, पूरा गाड़ी गाड़ियाँ भरे हुए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट लाइक 2 किलोमीटर तक पूरा गाड़ी भरा हुआ है। इतने सारे गाड़ी एक साथ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ व्यू पॉइंट के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक पूरी गाड़ी है गाड़ी, ऑलमोस्ट 300 गाड़ी आ चुके हैं। और इस 300 गाड़ी को देखने के बाद मैं हैरान हो चुका हूँ कि सुबह 3 बजे मैं जब निकला था मुझे लगा कि 5-6 गाड़ी होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितने सारे गाड़ी अभी आए हैं। और अब हम जा रहे हैं वोल्केनो की, और अभी हमने ब्रूनो माउंटेन देखा, अब हम उसी के साथ नज़दीक ही देख सकते हैं उस ब्रूनो माउंटेन को, ज्वालामुखी को उगते हुए। तो अब मौका है अपने गाड़ी को ढूंढने के लिए। हेलो, अच्छा यू हैव टी? तो ये है इंस्टेंट कॉफ़ी 10,000 का, वेरी इजी मेकिंग कॉफ़ी है। ओहो, तो ये है गाड़ियों का ट्रैफिक। ओह गॉड, कितने सारे मॉडिफाइड गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। डैम, यो ब्रदर, यो, ओ यो यो यो। तो गाइस व्यू पॉइंट से हम निकल गए हैं और क्रेटर की ओर जा रहे हैं, और लगभग हमें 1 घंटा आपको और सफर करना पड़ेगा क्रेटर तक पहुंचने के लिए। तो गाइस गाड़ी अभी फिलहाल यहां स्टॉप हो चुका है, आपको पता ही है कि यार मेरी तो आंख लग गई रास्ते में, मैं सो ही गया था। फिलहाल हम रुक गए हैं फोटो खींचने के लिए, और यहाँ फोटो काफी इंटरेस्टिंग लोग ले रहे हैं, जैसे गाड़ी पे चढ़ के। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ले लूँ, तो मैं भी फोटो ले लेता हूँ। और ये है देखिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और कम से कम आपको यकीन नहीं होगा कि कितने सारे गाड़ी आए हुए हैं। अगर मैं बता दूं, मैंने अभी ड्राइवर को पूछा, 10,000 गाड़ी ब्रूनो माउंटेन के लिए आते हैं, वही मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता था, क्योंकि रात का टाइम था, मुझे पता ही नहीं था अराउंड, मैंने सोचा 30-40 गाड़ी होगा, बाकी पता लगा कि यहाँ तो यार 10,000 गाड़ी आ चुका है। अनबिलीवेबल मैन।
गाइस अब हम आ चुके हैं क्रिएटर पे और यहाँ काफ़ी सारे हॉर्स। अभी मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो साथी हैं काफ़ी थक चुके हैं, जा नहीं रहे हैं। और फिलहाल मैं आ गया हूँ क्रिएटर के नज़दीक जो कि ब्रूनो माउंटेन। और यहाँ हॉर्स देखिए कितना खूबसूरत है यार, यूनिकॉर्न की तरह लग रहा है। तो वैसे आप देख सकते हैं सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं क्रिएटर की तरफ, ब्रूनो माउंटेन। तो गाइस अगर आप वॉक करने में थक जाते हैं तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्चना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट क्रिएटर तक अब ले जाता है ये हॉर्स राइडिंग। तो गाइस उस दूर से हम पैदल आते आते यहाँ पहुँच गए, ये है स्टॉपेज और यहाँ पूरे घोड़े और लोग यहीं पर उतर जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाता है शुरू स्टेयर्स और ये जाता है टोटली सीधा क्रिएटर की तरफ। तो गाइस ये है आखिरी स्टेयर्स जहां आप पहुंच जाएंगे क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब ये ज्वालामुखी है और ये एक्टिव ज्वालामुखी है, धुआं उड़ते रहता है। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, ये देखिए। बहुत जमाने पहले इसे ब्रह्मा पहाड़ के नाम से काफी फेमस था, इसलिए इसको इसके अंदर आपको गणेशा का मूर्ति मिलेगा। और ये है छोटा सा मंदिर, लोग पहले यहाँ आते हैं, यहाँ माता टेकते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। लेकिन आजकल टूरिस्ट को पता ही नहीं होता है और वो सीधा ऊपर जाते हैं। तो गाइस आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ द क्रिएटर के सामने, आप देख सकते हैं। और ये है एक्टिव वॉल्केनो जो कि माउंट ब्रूनो के सामने ही, आप देख सकते हैं ये देखिए। और ये हमेशा एक्टिव रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यार, लाइफ में मैंने पहली बार देखा है ज्वालामुखी। ओह माय गॉड लुक एट दिस। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे हिंदुज़म और सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। वहाँ गणेश का मूर्ति है जहाँ पूजा किए जाते हैं। पहले जो ज़माने के जो यहाँ पे काफ़ी सारे हिंदू रहते थे वो लोग यहाँ पर पूजा करते थे खासकर, और नीचे फूल चढ़ाते थे इस ज्वालामुखी में। और इसे वैसे तो ये ब्रूनो माउंटेन है, इसे ब्रह्मा माउंटेन के नाम से काफ़ी मशहूर होता था ये। तो चलिए दर्शन करते हैं गणेशा के। तो गाइस जो रिस्क मैं ले रहा हूँ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी आप यही रिस्क लें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फी लेने के लिए एचएस तक जाते हैं जैसे कि मैं। तो गाइस ये है जय गणेशा और ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि गणेशा का पूजा यहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ ऑफरिंग करते हैं और इसीलिए, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा ये गणेशा है। और यहाँ हिंदू देवताओं का पूजा किया जाता था और यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है इस ज्वालामुखी में। ये है गणेशा का छोटा सा मंदिर, काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस ये है ब्रूनो, ट्रिप हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के। और ये है हमारा लैंड क्रूजर टोयोटा और ही इज द किंग। स्कॉट क्रेटा, वेरी गुड है, ही इज द मास्टर ऑफ ड्राइविंग एंड फनी मैन। तो चलिए चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर।到那了。
तो गाइस ये था सफर छोटा सा माउंट ब्रूनो के लिए, जो कि मेरे लिए थे ये काफ़ी वर्थ था, क्योंकि इंडिया से मैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था और यहाँ पहुँचा और काफ़ी खूबसूरत है नेचर का ब्यूटी।